दोस्तों अभी जो है बिहार में जमीन का सर्वे यहाँ पे हो रहा है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है शेड्यूल बनाना चाहते हैं और जो है जमीन को दोस्तों अपने नाम से करवाना चाहते हैं यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि जो जमीन जो है दादा पर दादा के नाम से है और उनको मरने के बाद जो है बहुत सारे जो है वंशज ऐसे हैं जो है अभी तीन चार या पांच यहाँ पे इस तरह से जो है पे अभी भाई हैं ठीक है तो जो है वो किस तरह से जो है से दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल बनाकर जमीन को अपने नाम करा सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे आप बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सादा पन्ना पे बना सकते हैं और अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें जो है कुछ नियम कानून को फॉलो करके दोस्तों आप पूरी तरह से प्रक्रिया में दोस्तों भाग ले सकते हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा आपको इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना होगा शेड्यूल नामा ठीक है बाद जो है यहाँ पे आपको लिखना होगा जिसका नाम से यहाँ पे अभी जमीन है ठीक है हो सकता है आपको जो है दादा पर दादा के नाम से दोस्तों यहाँ पे आपको रसीद यहाँ पे कट रहा होगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बता रहा हूँ जैसे कि श्याम सिंह के नाम से मान लीजिए कि यहाँ पे जमीन अभी है ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे आपको लिखना है खाता यानी उनका खाता यहाँ पे लिख देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लॉट लिखना है प्लॉट लिखने के बाद यहाँ पे जो दोस्तों जो है आपको एराजी लिखना है एराजी यानी जो है कितना जमीन है उसके बाद जो है चौहदी यहाँ पे लिखना है चौहदी आपको केवाला पे आपको देखने को मिल जाएगा नहीं तो जो दोस्तों जो है आप यहाँ पे करंट जो चौहदी है उसको जो है दोस्तों आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं ठीक है यानी जो है दोस्तों यहाँ पे श्याम सिंह के नाम से टोटल कितना जमीन है वो सारा यहाँ पे दर्शा देना है जैसे कि हो सकता है खाता नंबर चार में प्लॉट नंबर पाँच होगा छः होगा दस होगा बीस होगा इस तरह से जो है एक खाता में बहुत सारा ज़मीन रहता है तो इस तरह से जो दोस्तों जो है आपको दर्शा देना है उसके बाद यहाँ पे आपको ये राजी लिखना है कि कितना यहाँ पे डिसमिल है मान लीजिए कि यहाँ पे दस डिसमिल होगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है यानी जो है टोटल श्याम सिंह के नाम से कौन से खाता में कितना प्लॉट नंबर में कितना जमीन है सारा यहाँ पे भर दीजिएगा भरने के बाद अब जो है मेन आपको पॉइंट यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको जानना है जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा हिस्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ठीक है हिस्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस तरह से दोस्तों करने वाला व्यक्ति इस तरह से दोस्तों जैसे आपको यहाँ पे दर्शा देना है उसके बाद जितना भी भाई अभी होंगे इस तरह से आपको कर लेना है भाई का नाम मान लीजिए कि यहाँ पे राम हुआ तो इस तरह से राम लिखना है दूसरा यहाँ पे मान लीजिए कि मोहन हुआ तो इस तरह से मोहन लिख देना है तीसरा मान लीजिए कि यहाँ पे रोहन हुआ तो इस तरह से आपको लिखना लिख लेना है आपको जो है सिर्फ मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तों जैसे आपको यहाँ पे खाता नंबर यहाँ पे लिखना होगा कि जैसे इस भाई का जो है हिस्सा कहाँ यहाँ पे पढ़ने वाला है जैसे खाता नंबर प्लॉट नंबर एराजी इस तरह से और जो है ठीक है यहाँ पे इस तरह से दर्शा दिया है और मान लीजिए कि जो है सो आपसी सहमति से कोई भाई यहाँ पे चाहता है कि जो है मेरा खाता नंबर यहाँ पे चार में प्लॉट नंबर जो है मुझे दस चाहिए तो इस तरह से यहाँ पे प्लॉट नंबर उनको दस दे दीजिएगा और टोटल जो है कितना इसमें यहाँ पे जमीन है मान लीजिए कि पाँच डिस्मिल यहाँ पे जमीन है यहाँ पे आपको जैसे पाँच डिस्मिल जो है से दोस्तों यहाँ पे दर्शा देना है उसके बाद यहाँ पे चौहदी डाल देना है उसी तरह से दोस्तों जो है यहाँ पे मोहन को यहाँ पे डालना है कि मोहन जो है खाता नंबर चार में हो सकता है खाता नंबर और भी आपको होगा तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दर्शा दीजिएगा खाता नंबर चार में जो है प्लॉट नंबर छ को हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका आपको यहाँ पे डाल देना है उनका कितना यहाँ पे जमीन का हिस्सा मिलने वाला है ये आपको डाल देना है ठीक है ये आपसी सहमति से यहाँ पे होना चाहिए कि कौन भाई का जमीन जो है कहाँ मिलने वाला है वह वा जो है संतुष्ट है या नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कि सहमति का हस्ताक्षर ठीक है सहमति का हस्ताक्षर इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है और चारों भाई का दोस्तों जैसे यहाँ पे इस तरह से करके आपको हस्ताक्षर करा लेना है ठीक है इतना हस्ताक्षर कराने के बाद आपको करना क्या होगा आपको दोस्तों जैसे यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर करा लेना है ताकि जो है गवाह बन सके कि जो भी डिटेल वगैरह दिया हुआ है से सही दिया हुआ है और जो है आपसी सहमति से हुआ है यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर करा लीजिएगा अगर सरपंच हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आप जैसे मुखिया का यहाँ पे हस्ताक्षर करा सकते हैं मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको मुखिया का हस्ताक्षर करा लेना है और चारों भाई का दोस्तों जैसे मोबाइल नंबर जरूर यहाँ पे डाल देना है मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो फ़ोन यहाँ पे करके आपको से यहाँ पे राय लिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप जो है सहमति पत्र यानी जो है से शेड्यूल दोस्तों आप बना सकते हैं और शेड्यूल बनाने के बाद होता क्या है कि जो भी अभी जो हिस्सा यहाँ पे जिस भाई को अभी चाहिए उनके नाम से यहाँ पे खतियान तैयार कर दिया जाएगा और उनके नाम से दोस्तों यहाँ पे ज़मीन यहाँ पे हो जाता है ठीक है ये जो है सिर्फ वैसे ही स्थिति में होगा जब जो है से यहाँ पे आपके बाप दादा के नाम से यहाँ पे खतियान यहाँ पे चल रहा है अगर जो है से मान लीजिए कि ये के कहीं और ज़मीन ले लिए हैं ये भी केवाला कहीं और ज़मीन ले लिए हैं तो उसमें दोस्तों जो है से आपको हिस्सा नहीं मिलेगा ये जो है से आपसी यहाँ पर सहमति के बाद ही आपको मिलेगा अगर जो है से वह देना अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं अदरवाइज दोस्तों नहीं दे सकते हैं ठीक है तो इस तरह से दोस्तों जैसे बहुत ही आसानी से आप एक सादा पेपर पर दोस्तों जैसे आप यहाँ पे शेड्यूल बना सकते हैं और सर्वे में दोस्तों इसको जमा करके जैसे अपने नाम से दोस्तों जमीन करा सकते हैं ठीक है थीके? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद